हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सबको सिंह चैनल पर। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे हैरी पॉटर की। हैरी पॉटर दोस्तों एक ऐसा जादुई किरदार है जिसको शायद ही कोई नहीं जानता होगा, और उसकी दोस्तों हम बात करें तो लगभग 80 से ज़्यादा लैंग्वेज में वो बुक ट्रांसलेट की जा चुकी है और 600 मिलियन से ज़्यादा उसकी कॉपीज बिक चुकी हैं। और ये आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ 2022 का, जिसके 2 साल और निकल चुके हैं, तो ये आंकड़ा दोस्तों और ऊपर बढ़ चुका है। तो इसमें दोस्तों खास क्या है, हैरी पॉटर को लेकर सभी जानते हैं, सभी उसके बारे में बात करते हैं। तो खास दोस्तों इस वीडियो में ये होने वाला है कि मैं यहाँ पे इसके नॉवल्स के बारे में बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा इसके इलस्ट्रेटेड एडिशंस की, जिसको हम ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं, जिसमें आपको हैरी पॉटर ना सिर्फ पढ़ने के लिए मिलेगा, साथ ही साथ उसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन भी देखने के लिए मिलेगा। इसमें दोस्तों ग्राफिक में आपके मीना लिमा कलेक्शन आया है, जिसमें 3 बुक आई हैं और फैंटास्टिक बीस्ट की 1 बुक आई है। वो भी दोस्तों अगर रहा सही सब कुछ तो मैं जल्दी ऑर्डर करूंगा और आपके सामने लेकर आ पाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्लूम्सबेरी पब्लिकेशन की तरफ से आए जिम के इलस्ट्रेटेड एडिशंस को लेकर। इसमें दोस्तों 5 बुक्स हैं जो अभी तक इलस्ट्रेटेड की जा चुकी हैं और 2015 से ये काम लगातार चल रहा है, 15, 16, 17 लगातार 3 साल तक ये बुक्स आई। 17 में फिर एक बॉक्स सेट आया जिसमें शुरुआती 3 एडिशंस को कंबाइन करके दिया गया, उसके बाद फिर चौथा, और 2022 में 5वां हमारे पास आया था। और जिम के इलस्ट्रेशंस में सिर्फ ये 5 ही आने वाले हैं, बाकी के जो 2 पार्ट्स हैं, जो 6ठा और 7वां पार्ट है, उसको जिम के इलस्ट्रेट नहीं करेंगे जैसा कि ब्लूम्सबेरी पब्लिकेशन की वेबसाइट कहती है। और आने वाले समय में कब तक इसका 6ठा भाग इलस्ट्रेट होकर आ पाएगा वो देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि अभी इसको लेके कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो उड़ती उड़ती खबरें हैं उनका यही कहना है कि ये आपको 2024 के या 25 के एंड तक मिल पाएगा। इसका मतलब यह है कि जो इसका आखिरी भाग है, अगर इसी ट्रेंड पर हम चलते हैं, तो 2027-28 में आपके हाथ में आ पाएगा। तो इसमें हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसका इलस्ट्रेटेड एडिशन। मैंने इसका बॉक्स सेट मंगा लिया है और एक बार नजर डालते हैं बॉक्स सेट कैसा है और क्या इसका प्राइस है और इसके इंडिविजुअल भी किस किस प्राइस में आपको मिल सकते हैं। डिटेल में दोस्तों उनका एक और वीडियो हम बना के रखेंगे जिसमें हम बुक वाइज चलेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, लेकिन उसके पहले एक बार अनरैप कर लेते हैं हमारे जिम के द्वारा इलस्ट्रेटेड हैरी पॉटर के इन इलस्ट्रेटेड एडिशन को, जो मेरे पीछे रखे हैं, मैं फटाफट निकाल के आपके सामने लेकर आता हूँ। ये दोस्तों कुछ ऐसा दिखता है जैसा कि आप देख सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा भारी है। इसका वेट भी 3, 4, 5 किलो से कम नहीं होने वाला। बुक्स थिक हैं, क्वालिटी बता रही है, और अब मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ उसका श्रिंक रैप ओपन करने के लिए। तो फटाफट दोस्तों पास में आ जाइए और देखिए इसका श्रिंक रैप ओपन होते हुए और इसका फर्स्ट लुक। तो ये है दोस्तों जेके रॉलिंग के हैरी पॉटर का इलस्ट्रेटेड कलेक्शन, जिसका इलस्ट्रेशन किया है जिम के ने। तो एक साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नाइट बस देखने के लिए मिलेगी और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसमें क्या है। इसमें है दोस्तों 3 एडिशंस, जिसमें पहला है हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन, दूसरा हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ द सीक्रेट, और तीसरा प्रिजनर ऑफ अज़्काबान। इस साइड में आप देखिए, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी ये ट्रेन जो लेके जाती है आपको हैरी पॉटर की उस जादुई दुनिया में। अगर एक बार आगे बढ़ने के पहले मैं इसके साइज की बात करूं दोस्तों, तो जो ट्रेडिशनल हिंदी कॉमिक्स हमारे पास आती हैं, राज कॉमिक्स आती हैं, उसके साइज में, कंपैरेटिव साइज में ये कुछ इतना बड़ा उससे चला जाता है। और अगर मैं बात करूं जो मार्वल और डीसी के नॉर्मल साइज कॉमिक्स आते हैं, तो उसमें आप उसके साइज को कुछ इस तरीके से अंदाजा ले सकते हैं कि लंबाई ऑलमोस्ट सेम है, बट जो चौड़ाई है वो उसकी काफी ज्यादा है। अब दोस्तों बिना देरी के इसके श्रिंक रैप को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि काफी समय से ये मेरे पास रखा था और क्योंकि मैं इसको वीडियो पे ओपन करना चाहता था इसलिए इसको मैं रखे बैठा था, और अब तो इसके लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो ये दोस्तों श्रिंक रैप में काफी मजबूती से आपके पास आ जाता है और इंश्योर करता है कि आप इसको बिल्कुल जो ओरिजिनल कंडीशन है, जो इंटैक्ट कंडीशन है, उसमें आप ले पाएं। तो हम दोस्तों इसकी बात करें तो फ्रंट बहुत ज्यादा खूबसूरती से बनाया गया है। ये जो हैरी पॉटर का लोगो है इस पे ये गोल्डन गिल्डिंग की गई है, जो आप लाइट पड़ने पर इसकी शाइन आप देख भी सकते हैं। इसी तरीके से जब हम बैक में आते हैं तो यहाँ पे भी दोस्तों तरीके की ये गोल्ड गिल्डिंग आपको देखने के लिए मिलेगी, और ये है दोस्तों सिल्की और जो कहिए कि वेलवेट टच में इसका फील रहता है। तो स्लिप केस काफी ज्यादा खूबसूरती से इसको तैयार किया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी प्राइसिंग। अब दोस्तों एक एक करके इन बुक्स को बाहर निकालते हैं। पहले मैं एक साथ ही बाहर निकालता हूं ताकि हम इसको प्रॉपरली देख पाए। ये दोस्तों स्लिप केस है जिसके अंदर एक और चीज हमें मिली है जो है एक्स्ट्रा पेपर। तो स्लिप केस दोस्तों बहुत ज्यादा मजबूत है। मेरे पास मार्वल, डीसी, राज कॉमिक्स और जो बाकी पब्लिकेशन कॉमिक्स है सभी के स्लिप केसेस आए हैं, बट ये वाला स्लिप केस अभी तक आए स्लिप केस में सबसे ज्यादा मजबूत स्लिप केस लग रहा है। तो ये है दोस्तों स्लिप केस। अब बात करते हैं दोस्तों मेन
बुक्स की। तो इसमें दोस्तों एक है हमारे पास प्रिजन ऑफ अज़्काबान, ये जो पेपर से दोस्तों बीच में इसलिए रखे गए हैं ताकि आपस में रगड़ के ये जो चीजें हैं ये खराब ना हो। दूसरी है दोस्तों हमारे पास हैरी पॉटर चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स, और एक और बुक आ जाती है हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन जो है इसका पहला भाग। तो एक एक करके दोस्तों इनको ओपन करते हैं। पहला ये है दोस्तों, तो इस पे कवर पे आप देख सकते हैं हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस बनी हुई है, बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत ये आर्टवर्क है और इस आर्टवर्क के लिए ही दोस्तों हमने इसको खरीदा भी है। और मैं यहाँ पे दोस्तों इसकी बात करूँ, जैसा हमने फ्रंट पे देखा था स्लिप केस पे, स्लिप केस में ये सिर्फ गोल्डन गिल्डिंग में था, बट यहाँ पे आप इसको फील भी कर सकते हैं ये एनग्रेव्ड है, तो काफी ज्यादा सुंदर लगता है और लाइट में अच्छे से ग्लिटर भी करता है। ये दोस्तों इसका जैकेट है, और जैकेट को हम हटाते हैं तो अंदर एक बुक बाइंडिंग की तरीके से जो नॉर्मल बुक्स होती हैं वैसा ये रेड कलर का आपको देखने के लिए मिल जाता है। बैक साइड में आ जाएं दोस्तों, तो बैक साइड में भी आप देखिए ये पूरा कुछ इस प्रकार आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस है और यहाँ पे आप उल्लू देख सकते हैं। अगर आप हैरी पॉटर पढ़ चुके हैं तो आप जानते हैं उल्लू में क्या काम करते हैं। और जैकेट हम ओपन करें तो यहाँ पे बैक से भी ये रेड कलर के फॉर्म में ही आता है। इस वीडियो में दोस्तों हम एक ओवरव्यू लेंगे, बाकी जो डिटेल वीडियो है वो भी इस वीडियो के बाद आपके सामने बहुत जल्द आएंगे, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, बाद में आप भूल जाएंगे। ओपन करने पे आप देखिए दोस्तों हॉगवर्ट्स काफी खूबसूरती से बनाया गया है, अंदर कुछ इस तरीके से देखने मिलता है कि आपकी स्टोरी चलती रहती है और यहाँ पे आर्टवर्क साथ साथ आता रहता है। तो मैं इसमें दोस्तों बहुत ज्यादा अभी डिटेल में आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि ये कितनी ज्यादा खूबसूरत सी चीज है। दूसरे दोस्तों हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स, जिसमें ये गाड़ी उड़ा के हॉगवर्ट्स पहुंचने की कोशिश करते हैं, ये सीन भी अपने आप में बहुत ज्यादा आइकॉनिक है और उसी तरीके से एनग्रेव हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स लिखा गया है। और पूरा ये आर्टवर्क कुछ इस प्रकार से बनाया गया है, जिसमें अपनी ये कार में, इंडिया में इस कार को अगर हम जानते हैं तो कुछ कुछ प्रीमियर पद्मिनी जैसी वाली कार ये दिखने में लगती है, उसमें ये हॉगवर्ट्स पहुंच रहे हैं और बवाल होने वाला है। अंदर हम पढ़ें तो अंदर आप देख सकते हैं हॉगवर्ट्स के ये कुछ पैनल्स और यहाँ पे ये मकड़ियां जिनका बहुत बड़ा रोल है इसमें, तो काफी अच्छे से इस चीज को बनाया गया है। दोस्तों पेपर्स की मैं बात करूँ, बाइंडिंग की मैं बात करूँ, बुक क्वालिटी की मैं बात करूँ तो ये बहुत ज्यादा बेहतरीन है। इसमें दोस्तों बुकमार्क भी है, बुकमार्क नहीं है सिर्फ रिबन है, और मल्टीपल कलर में पेजेस हैं, ऐसा नहीं है कि एक सिंपल व्हाइट पेजेस हैं। दोनों ही बुक में हमने देखा कि मल्टीपल कलर में पेजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं, आर्टवर्क है, तो कुछ बेहतरीन 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 वाला ये प्रोडक्ट दोस्तों बन के हमारे सामने आ जाता है। तीसरा पार्ट है दोस्तों जेके रोलिंग हैरी पॉटर एंड द प्रिजन ऑफ अज़्काबान। अज़्काबान में नाइट बस हमने देखी थी, तो नाइट बस भी बहुत खूबसूरती से यहाँ पे ड्रॉ की गई है और वही एनग्रेव गोल्डन फॉर्म में यहाँ पे आपको टाइटल देखने के लिए मिल जाता है। पूरी हम आर्ट की बात करें तो पूरी आर्ट कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलती है, और इसके जैकेट के अंदर ऑरेंज कलर था और यहाँ पे इससे मिलता जुलता सेम थीम में पर्पल कलर का आपको देखने के लिए मिलता है। इसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे बहुत भयंकर सी ये आर्ट है, अज़्काबान आपको देखने के लिए मिल रहा है। और देखिए दोस्तों तो बेहद खूबसूरती से ये दम पिशाच जिनको हम बोलते हैं हिंदी में, वो आपके सामने आ जाते हैं और हर चैप्टर प्रॉपरली आपके सामने ये आ जाता है। इसको हम दोस्तों जब अपने सूटकेस के अंदर रखेंगे तो कुछ इस तरीके से ये दिखेंगे, जो बहुत ज्यादा सुंदर लगेंगे। आप मतलब मल्टीपल इसमें आपके पास फायदे आ जाते हैं, आप ऑब्वियसली इसको रीड तो कर ही सकते हैं जो हम करेंगे, क्योंकि मैंने इसको हिंदी में पढ़ा था और मेरा इंग्लिश में पढ़ने का मन हुआ, तो फिर ये मैंने डिसाइड किया कि मैं इसके इलस्ट्रेटेड कलेक्शन को अपने कलेक्शन में लेकर आऊंगा। तो ये तीन मेरे पास आ चुके हैं दोस्तों, जो फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है वो भी कल डिलीवर हो जाएगा, और जब तक आप वीडियो देखें तब तक डिलीवर हो चुका होगा। और मैं इनका दोस्तों एक डिटेल्ड वीडियो करूंगा, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, पार्ट फाइव, जिसमें हम थोड़ा सा ब्रीफ लेंगे स्टोरी का और उसके साथ साथ सारे जो इसके डिटेल्स हैं वो सब आपके सामने प्रेजेंट करेंगे और बात करेंगे प्राइस मिलेगी। तो इसमें दोस्तों इंडिविजुअल बॉक्स सेट सभी के जो परचेसिंग लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो दोस्तों जैसा मैंने वीडियो में बोला था कि ये पार्सल मुझे कल रिसीव हो जाएगा, और कल आज हो चुका है, और एडिटिंग करते करते मुझको ये पार्सल मिल गया, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक बोनस स्नीक पीक आपके लिए ऐड कर दिया जाए, बाकी डिटेल्ड वीडियो तो आपके पास आने वाला है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों अमेज़ॉन से ये मेरे पास आया है, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन नहीं है इसमें, ये पॉलीरैप है और इसको टेप करके मेरे पास भेजा गया है। अब एक बार इसको ओपन करके देख लेते हैं किस कंडीशन में ये पार्सल मेरे पास आया है। एक तो इतनी कम इसमें जो प्रोटेक्शन है कि पेपर कटर लगाते हुए भी डर लग रहा है कि अंदर की बुक ना कट जाएगी, तो मुझे थोड़ा सा इसको ऐसे ही ओपन करना पड़ेगा ताकि अंदर की बुक प्रोटेक्टेड रह सके। तो जैसा आप देख पा रहे हैं इस
फॉली के अलावा किसी भी प्रकार की कोई अंदर प्रोटेक्शन इसमें नहीं लगाई गई है, तो थोड़ा आप भी अगर इसको मंगाते हैं तो सेफली परचेज कीजिएगा। आप MRP देख सकते हैं, 2500 रुपये की MRP से दिख रही है, लेकिन अमेजोन पे दोस्तों ये मुझको 1600 के करीब दोनों पड़े, सॉरी मतलब 1600 ईच में ये दोनों पड़े हैं, अराउंड 1642-1632 कुछ इस तरीके का प्राइस है, जो मैं आपको डिटेल वीडियो में भी बता दूंगा। तो काफ़ी थिक हैवी मोटी बुक्स ही आ चुकी है मेरे पास, जिनमें से एक है हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स, बिल्कुल सेम उसी स्टाइल में बनी हुई देखिए। और हैरी पॉटर ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स जैसे हम जानते हैं काफ़ी थिक बुक्स रही हैं, गॉब्लेट ऑफ फायर और ये दोनों, तो इसी प्रकार से ये जो बुक्स हैं, ये जो इनके इलस्ट्रेटेड एडिशंस हैं, ये भी काफ़ी थिक और हैवी हैं। तो इसमें आप कवर आर्ट देखिए, इसमें जो मैच चल रहा था जिसमें ड्रैगन से फाइट थी, ड्रैगन कंडा चुराने की, वो आपको देखने मिलेगा। और ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स में वो जो भविष्यवाणी वाला सीन था कि अंदर भविष्यवाणी मिलती है जहाँ वो ढूंढने जाते हैं और उनकी फिर फाइट भी होती है, वो सीन आपको देखने के लिए मिलेगा। अंदर के कलर्स इसमें येलो लिए गए हैं और इसके अंदर जो कलर है वो ब्लू कलर यूज़ किया गया है। तो कुछ इस प्रकार से ये मेरे पास दोनों पार्सल भी आ चुके हैं। तो दोस्तों आपको बने रहना है सब कुछ सिंह पर, ताकि आप इनके डिटेल्ड वीडियो और इस प्रकार के किसी भी वीडियो को स्किप ना कर पाएं। तो बने रहिए सब कुछ सिंह पे और मिलते हैं बहुत जल्दी से। तो आप बताइए दोस्तों, इसमें आपको सबसे ज़्यादा खूबसूरत कवर कौन सा लगा और सबसे पहले इसमें से आप कौन सा खरीदना पसंद करेंगे? और दोस्तों फटाफट से लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, अगर आप आगे बढ़ेंगे तभी मैं इसका मिनी लैमिनेशन भी ले पाऊंगा और आपके सामने लेकर आ पाऊंगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलेंगे हम बहुत जल्द अगले वीडियो में, जिसमें हैरी पॉटर होगा, गैजेट्स होंगे, एंटरटेनमेंट होगा, कॉमिक्स होंगी, देसी विदेशी सारी होंगी। तो दोस्तों तब तक के लिए जय श्री राम।